Hi friends, how are you all? Welcome back to my channel, Ashwini Anand Bokle. So yes, हम लोग आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे जो कमेंट किए थे कि आप मुझे नाइकी और क्लोविया के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वीडियोस बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि अभी मैं सुबह 1 बजे से घर से बाहर निकलती हूँ, तो मैं शाम तक घर से बाहर रहती हूँ, और जो प्रोडक्ट्स आपने मुझे बोले ना उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो वीडियोस बनाने के लिए सोचूँ, उस एड्रेस पे मेरे कोई प्रोडक्ट्स आते ही नहीं है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुआ है, अभी वो मेरे एड्रेस पे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे, तो जब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपने जो रिक्वेस्ट किया, आपने से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है इस चीज़ पे, क्लोविया स्पेशली क्लोविया के जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए बोला है, लेकिन एक्चुअली अभी मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार जो प्रोडक्ट है वो मेरे एड्रेस पे आ नहीं रहे हैं। ऐसे मैंने 2-3 बार देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे स्पेसिफिकली एड्रेस पे, जो मुझे स्पेसिफिकली चाहिए वही प्रोडक्ट्स मेरे एड्रेस पे नहीं आ सकते, तो इस वजह से मैंने वो जो आपने बोला है कि क्लोविया का स्पेशली फॉल बनाओ, तो वो अभी बना नहीं पा रही हूँ मैं, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब प्रोडक्ट्स मेरे एड्रेस पे आ जाएंगे तब मैं उसके ऊपर डेफिनेटली श्योर शॉर्ट वीडियो जो है वो बना दूँगी, और अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, तो यस कॉफ़ी टाइम सर 4:30 PM इन द इवनिंग, और मैंने 1 से 4 बजे तक ब्रेक लिया था, मैंने थोड़ा रेस्ट किया है क्योंकि बहुत सारा काम किया है, आपने देखा ही है मैंने घर पे, तो अभी चाय पीने के लिए मैं घर से बाहर निकली हूँ। अभी मैं यहाँ पे स्वीकार होटल में हूँ, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा बैकग्राउंड है, एक फुल एक पेंटिंग जैसा ही है, ऑयलिंग किया था जैसे कि आपने देखा ही होगा, तो अभी मैं ऑयल जो है वो वॉश करने वाली हूँ। सो अभी मैं बहुत टाइम बाद में यानी नेक्स्ट डे ही व्लॉग स्टार्ट किया है, कल शाम को थोड़ी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड की, फिर उसके बाद अभी मैं हाथ में कैमरा लिया है। सो एक्चुअली क्या हुआ, कल हमारी जो मेरी जो कैट है वो थोड़ी सी इंजर हो गई है, उसके राइट पैर में शाम को अचानक से खून आने लगा, तो यानी उसको एक पैर में थोड़ी सी जख्म हो गई है और उसमें से खून निकल रहा है, तो उस वजह से कल रात भर में उसकी यानी यहाँ पे ही सोई थी वो, और उसको रात में टॉयलेट भी लगी थी, तो यहाँ पे की है उसने, वो साफ़ कर दी है, तो एक्चुअली ये सीन है। और अभी थोड़ी सी यानी खून आना बंद हो गया है उसके पैरों में से, लेकिन
अभी आज थोड़ा सा उसको ऐसे रेस्ट करने यानी रेस्ट देंगे, यानी उसको ज़्यादा उसके साथ खेलेंगे नहीं, क्योंकि वो खेलेगी तो शायद उसके पैरों में से फिर से खून आने लगेगा, तो इस वजह से। चलो तो फिर अभी मैं करूँगी हेयर वॉश, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डीप ऑयलिंग किया था कल बालों में, तो जस्ट गोइंग टू वॉश दिस। रात भर रखा है और मैंने ये ऑयल बालों में, मैंने हेयर वॉश जो है वो कर लिया है। ऑयलिंग में फिर से फ्रेशनी का शैम्पू यूज़ किया है, और फिर मैंने पैंटीन का ऑयल कंट्रोल करके जो फॉर्मूला है वो अपने एज पे लगाया है ताकि उनमें टाइम रहे। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा हेयर फॉल जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ हद तक मेरी पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। रुचा गई है कॉलेज और कल के कपड़े मुझे अभी तक तय करने हैं, तो पहले मैं इसे तय लगा दी। अभी थोड़ा सा अंधेरा कम हो, हाय गाइस। तो मैं पी रही हूँ चाय और मैं आपको बताना चाहती थी कि आप लोगों से अभी मैं इतनी कनेक्ट हो गई हूँ ना, आप लोग मुझे जब कमेंट करते हैं तो मुझे फ़ील होता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो हमेशा कमेंट करते रहना, भले ही मैं उसके लिए रिप्लाई देने को लेट करूँ, लेकिन कमेंट करते रहना तो मुझे ऐसे लगता है कि वी आर कनेक्टेड। यस, तो अभी मुझे आदत ही हो गई है आप लोगों के साथ बात करने की, आपके साथ सब शेयर करने की। तो यस, मैं अभी चाय पीती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप सब लोग मुझे अभी रोज़ कमेंट्स जो आते हैं ना, उस वजह से फिर से मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अच्छे बुरे सभी कमेंट्स, लेकिन कमेंट्स करते हैं तो समझ में आता है कि यस वी आर कनेक्टेड, यू आर लुकिंग आफ्टर मी, एंड बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह के बज गए हैं 10 और मैं 10 बजे अभी सुबह की चाय पी रही हूँ।
So first of all, I will show you the whole, explain you keto diet, okay, for vegetarian. सो कीटो डाइट फॉर वेजिटेरियन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए एक चीज़ आप खा सकते हैं, वो है बहुत सारा पनीर. सेकंड चीज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. थर्ड वन नो मिल्क. लो सॉल्ट. लो शुगर. दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ कीटो डाइट फॉर वेजिटेरियन. ओके, तो ये इतना ही फॉर्मूला है कीटो डाइट का एक्चुअली. कि और इसमें ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि अदरवाइज कीटोसिस में आपको फेंटिंग हो सकता है, क्योंकि आप इसके सिवा कुछ भी नहीं खा सकते. ओके, तो वेजिटेरियन के लिए कीटो डाइट में पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नो मिल्क, लो सॉल्ट, लो शुगर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड सोयाबीन खा सकते हैं आप. सोयाबीन वड़ी जो रहती है ना, वो खा सकते हैं, उसकी वेजिटेबल बना के वो खा सकते हैं. और दोस्तों इसमें एक मैजिक है कि आप इसमें चीज़ खा सकते हैं. यस, इसमें आप चीज़ खा सकते हैं, जितना चाहे मर्जी उतना चीज़ खा सकते हैं. क्योंकि कीटो डाइट का फंडा है कि फैट विल बर्न द फैट, ऐसा उनका फंडा है. तो सी, ये सब आप खा सकते हैं इन कीटोसिस डाइट. सेकंड, आप इसमें बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं खा सकते हैं. ओके, नो कार्ब्स एट ऑल. नो कार्ब्स मींस नो रोटी, नो राइस. नो रोटी, नो राइस, ये है फंडा ऑफ कीटोसिस डाइट. आपको कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं. आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं. यू कैन ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी. ओके, यू कैन ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी में रहता है कैफीन. Which will help you to reduce weight. अब इसके बाद इसमें आप एनी टाइप ऑफ नट्स खा सकते हैं, लाइक आलमंड्स, पीनट बटर, प्रोटीन शेक. वे प्रोटीन का आप शेक ले सकते हैं. पीनट बटर खा सकते हैं और आलमंड्स खा सकते हैं, बट नो कैशूज. कैशूज बिल्कुल भी नहीं खाने हैं. आप इसके बजाय ग्राउंड नट्स भी खा सकते हैं.
whenever you have a chunk to test, then you can eat this food. Groundnuts खा सकते हैं आप, whey protein का shake ले सकते हैं, peanut butter का sandwich खा सकते हैं, but bread is also again brown bread, no white bread, only brown bread. And no cashews. तो any type of nuts आप junk के time खा सकते हैं. Junk के time. Then most important thing is avoid aerated drinks. No cokes, no thumbs up. So avoid any kind of aerated drinks, no cokes, no thumbs up, no soda. You can eat dahi. Dahi खा सकते हैं आप. Milk नहीं पी सकते लेकिन dahi खा सकते हैं. इसमें आप lots of cucumber खा सकते हैं, lots of tomatoes खा सकते हैं, कैरेट्स खा सकते हैं और पालक खा सकते हैं. तो इसको भी बनाने का एक तरीका है. इसको आप एक टेस्टी तरीके से खाएंगे, कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट और पालक. तो इसको भी आप उबाल के इसमें एक, मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे कि इसमें आप किस तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो खाने में तकलीफ़ होती है. बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते. तो इसे आप ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ बनाएंगे ना, तो इसकी टेस्ट जो है वो बढ़ेगी और उसके बाद आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं. पालक को आपको उबाल के खाना है, बॉइल्ड करके खाना है. और ये सब चीज़ें जो है वो ऐसे ही खानी है, रॉ खानी है. यानी तो इसमें आप यूज माय फिटनेस पल ऐप, जो ऐप मैंने बहुत बार मेरी वीडियोस में बताया है, तो आपको ये ऐप जो है वो यूज़ करना है फॉर कैलोरी काउंट. तो आपको चेक करना है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसमें से हाई प्रोटीन किस में है और लो कार्ब्स किस में है. तो जिस चीज़ में हाई प्रोटीन्स है, लाइक पल्सेस, दाल, प्रोटीन्स किस चीज़ों में है वो चेक करिए. तो प्रोटीन्स रहते हैं पल्सेस, दाल, मिल्क प्रोडक्ट्स. ओके, तो वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं इन कीटोसिस, बट नो कार्ब्स, नो राइस. बिल्कुल भी राइस खाना नहीं है जब आप कीटोसिस करते हैं. एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, एटलीस्ट फॉलो कीटो डाइट फॉर 3 months फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. सो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कीटोसिस. सो दोस्तों, मैंने कीटो डाइट किया था और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो उसके बेनिफिट्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ. तो जब कीटोसिस, पहले मैं साइड इफ़ेक्ट्स बता देती हूँ कि जब आप कीटोसिस पे रहते हैं तो आपके, बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है, यानी मेरे साथ ही नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ सीवियर हेडेक का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है. यानी सिर में दर्द रहने लगता है, यहाँ पे आपके सिर में दर्द होने लगता है और विच इज़ वेरी मच, यानी पेनफुल रहता है, वो पेनफुल दर्द रहता है. तो अगर आप कीटोसिस करना चाहते हैं तो एक
मैं वार्निंग जैसे देती हूँ कि आपका वज़न तो कम होता है, जल्दी जल्दी कम होता है, लेकिन थोड़ा सा हेडेक का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें माइग्रेन वगैरह तो है नहीं, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्टर ने, जिम इंस्ट्रक्टर ने मुझे जिस तरीके से डाइट बताया था उसी तरीके से मैं फॉलो कर रही थी। और बहुत टाइम तक आप ये डाइट जो है वो फॉलो नहीं कर सकते, हमारी जो सहनशीलता की क्षमता जो रहती है वो टूट जाती है इस डाइट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक होने के कारण हम ये डाइट जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं, आपको इजीली वेट जो है वो लूज़ करते हैं, और जो वेट आपने लूज़ किया है वो वेट फिर से बढ़ता नहीं। अगर आप बहुत सीवियर फिर से खाने लगे तो ही आपका वेट बढ़ता है, अदरवाइज बढ़ता नहीं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट है, और बेनिफिट जैसे कि मैंने बताया कि वेट लॉस एकदम फास्ट होता है, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि पेट में कुछ, पेट यानी हल्का हल्का लगता है, ऐसे नहीं लगता कि बहुत सारा खाया है, और हेवी हेवीनेस वो बिल्कुल भी नहीं लगता, एकदम लाइट फील करते हैं आप, और वेट तो इजीली बहुत जल्दी जल्दी कम हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा माइग्रेन जैसा फीलिंग होता है वो एक साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन वेट लॉस जो है वो फास्ट होता है, और बहुत आप लाइट फील करने लगते हैं, यानी एकदम ऐसे हल्के फुल्के खुद को महसूस करते हैं कि एकदम ऐसे लगता है कि धरती पर आप ही हो, ऐसे इतना इतना लाइट वेट आपको लगने लगता है जब आप कीटोसिस पे रहते हैं तो। लेकिन जब सर दर्द करने लगता है तो आप ये डाइट छोड़ देंगे, ये ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि सर दर्द तो होता ही है, यानी मेरे साथ नहीं, मेरे जिम में जो जो लोग आते थे तो बहुत जो स्ट्रिक्टली ये डाइट फॉलो करते थे तो उनको ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा हुआ था कि सर में दर्द होता है, लेकिन एक डेढ़ महीने में आपको रिजल्ट भी दिखने लगते हैं। और स्ट्रेंथ और स्टैमिना के बारे में मैं बताऊँ तो स्टैमिना तो इतना बढ़ता है कि मैं जहाँ पे जिम में जाती थी तो वहाँ पे मैं एक लड़की थी जो एज में बड़ी थी, बाकी सब छोटे बॉयज़ और गर्ल्स थे, लेकिन उनके साथ भी कॉम्पीट आप कर सकते अगर आप कीटोसिस पे रहते तो, क्योंकि स्टैमिना जो है आपका धीरे 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 बढ़ने लगता है। जो फैट है उसका कन्वर्जन, जो फैट हमारे बॉडी में ऑलरेडी है इतने सालों से भरा हुआ है, वो फैट कीटोसिस डाइट आप करते हैं तो फैट पिघल के उसकी एनर्जी फॉर्म होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, सो आपको एकदम एनर्जी में बूस्ट लगने लगता है, एकदम जैसे हम बोलते हैं ना, अगर गाड़ी में एक इंजन है और एक दूसरा इंजन लगाएंगे तो गाड़ी कितनी ज़ोर से चलेगी, वैसे काम करता है कीटोसिस डाइट। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको, यानी कि क्योंकि आपके बॉडी में इतने सालों से जो फैट है वो एनर्जी में टर्न होता है जब आप कीटोसिस में रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कीटोसिस डाइट का। और दोस्तों लास्ट में बता देती हूँ कि जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि सर दर्द होने लगता है वगैरह वगैरह अलाना फलाना, तो आपको ना एक स्ट्रिक्टली टैबलेट्स जो है वो कीटोसिस में ऑलरेडी आपके जो इंस्ट्रक्टर है वो बोल देते हैं कि ये टैबलेट्स आपको जब आप कीटोसिस पे रहेंगे तो वो टैबलेट्स आपको लेनी ही है, अगर आपने वो टैबलेट्स ली नहीं तो ये अलाना फलाना प्रॉब्लम आपको होते ही रहेंगे। तो मैं फलाना फलाना प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको बताती हूँ कि दो तरीके टैबलेट्स आपको लेनी है, वो है मल्टी विटामिन टैबलेट्स विच इज़ कॉल्ड A to Z टैबलेट्स। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में किसी लड़की ने बोला था उसका नाम A to Z नहीं है, A to Z है, तो चलो जो भी है A to Z A to Z व्हाटएवर, तो मल्टी विटामिन टैबलेट है A to Z और A to Z समथिंग,
वो आपको इजीली मेडिकल स्टोर में, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। दूसरी टैबलेट है इवियॉन 400 mg। तो ये दो टैबलेट्स आपको स्टार्टिंग से लेनी है। जब भी आप निर्णय कर लोगे कि आज से मुझे कीटोसिस करना है, तो वो टैबलेट्स आपको फॉलो करनी है। और थर्ड, कैल्शियम की टैबलेट्स, कैल्सी मैक्स या कैल्शियम की कोई भी टैबलेट आप ले लो। तो कैल्सी मैक्स तो वुमेंस के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, तो कैल्सी मैक्स आप ले सकते हैं। तो ये जो तीन टैबलेट्स है वो आपको फॉलो करनी है, रिलीजियसली फॉलो करनी है। तो ये सब आप बाद में मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, ये आलाना हो गया है, फलाना हो गया है ऐसे। तो ये इस तरीके से ये डाइट फॉलो कीजिए। और ये टैबलेट्स जो है ये स्टार्टिंग से लेना, यानी जब आप कीटोसिस पे रहेंगे तो ये टैबलेट्स भी लेंगे। तो यह तीन टैबलेट्स, इवियॉन, मल्टीविटामिन एंड कैल्सीमैक्स। तो ये टैबलेट्स इजीली अवेलेबल है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये टैबलेट्स। जस्ट आपको 45 मैक्सिमम, आप सभी टैबलेट्स को मिलके ना 100 रुपीज़ भी नहीं लगेंगे। तो ये टैबलेट्स आप स्टार्ट से लीजिए और फिर आपको वीकनेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये डाइट आप रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट 1-1.5 महीना तो आपका आराम से स्मूथली आप ये डाइट से वजन कम कर सकते हैं। 5 से 6 किलो तो कम हो जाता है, जो रिलीजियसली, मेरा इतना नहीं हुआ था, मेरा 3 किलो ही हुआ था। यानी मैं 73 पे थी और मेरा एक मंथ में 69 दिखने लगा था उस टाइम। तो होता है, यानी इजीली वेट जो है वो कम होता है। ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कीटो डाइट। जो डाइट मैंने फॉलो किया है, जिसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही मैंने देखे हैं, तो वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे लगता था कि मैंने एक बार बताया है, लेकिन फिर एक बार इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों को स्पेशली ये डाइट करना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नॉन वेजिटेरियन लोग तो नॉन वेज खाते हैं, तो उस वजह से उनको कीटो डाइट फॉलो करने में इतने ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन वेजिटेरियन लोग अगर ये डाइट करना फॉलो करना चाहते, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने कैसे ये डाइट किया ये मैं आपको बताना चाहती थी। तो मैंने इसके ऊपर आज ये टोटल डिटेल वीडियो जो है वो बनाया है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप भी चाहते हैं कि कीटोसिस डाइट की करना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से डाइट फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड लव यू ऑल, बाय।